Hello, hello. Hello. Please switch on your videos. It's really, really nice to see you. Okay, first of all, Evening, apologies. sir. Thank you. Very good evening. First of all, apologies for being late. तो मैं बीच रास्ते में अटका हुआ था. मैं सोचा था सेशन गाड़ी में से शुरू करूँ एट 7:30 और मैं आई रीच होम इन 10-15 मिनट्स एंड देन मैं गेट देन मैं डिसाइडेड आई रीच होम आराम से एंड देन आई सी बिकॉज़ फोन में से कभी-कभी बहुत सारी चीजें दिखती भी नहीं है इन स्मॉल डिवाइस. आई थॉट आई डू इट इन द लैपटॉप इटसेल्फ. सो थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग. रियली अप्रिशिएटेड. मनीषा जी, मनीषा मिश्रा जी, प्लीज म्यूट योर सेल्फ. वन सेकेंड, पार्टिसिपेंट आर ज्वाइनिंग. ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है ये तो. काफी सारे लोग आ चुके हैं. तो इतना तो मतलब तय है कि जितने भी लोग यहाँ आए हैं सबके सब ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं. समझ में नहीं आता ये ओवर थिंकिंग का करें तो करें क्या. इतनी प्रॉब्लम हो गई ओवर थिंकिंग की. इतना सोचते रहते हो, क्या सोचते हो ऐसा मैं भी जानना चाहता हूँ. ऐसा क्या सोच के हमने जिंदगी में कर लिया है कि हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं. ये जानते हुए भी कि जितना हम सोचते हैं उतना चीजें हाथ से निकल जाती हैं, उतना चीजें खराब भी हो जाती हैं. ये माइंड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस क्रिएट करता है. दिमाग कहीं ना कहीं आपको अपने मन माया जाल में फंसाता रहता है. एंड एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है हम कुछ कर भी नहीं पाते क्योंकि दो ही चीजें हो सकती हैं. एवरीवन प्लीज, कहीं ना कहीं, एक सेकेंड, आवाज आ रही है? प्लीज म्यूट योर सेल्फ. वन सेकेंड. एक सेकेंड. एवरीवन प्लीज म्यूट. अरोमा जी, शिव, ओके, थैंक यू सो मच सो दैट मेरी आवाज सुनाई दे पाए सबको. तो इतना सोच के करेंगे तो करेंगे क्या एट द एंड ऑफ द डे. क्योंकि जब सोचते रहेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे मुझे लगता है. क्योंकि सोचने में दिमाग सिर्फ पास्ट और फ्यूचर के बारे में ही फ्लक्चुएट होता रहता है. राइट, या तो पास्ट के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं. पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया. किस किस को लगता है कि पास्ट में हमारे साथ ऐसा हो गया और उसके चक्रव्यूह में फंसे हुए. हाथ खड़ा करें जरा. कीप योर हैंड्स रेज्ड, लेट्स स्पीक टू सम पीपल एज़ वेल. तुम्हें समझा पाऊंगा इजीली. हाँ जी ज्योत्सना जी, बताइए पास्ट के बारे में क्या सोचते रहते हैं. एवरीवन एल्स प्लीज म्यूट. माय रिक्वेस्ट टू यू इज आप ध्यान से सुने सबकी बात. जिससे मैं बात करने को कहूँ सिर्फ वही खुद को अनम्यूट करें ताकि एटलीस्ट. हाँ 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 अरोमा जी प्लीज म्यूट. यस ज्योत्सना, पास्ट के बारे में सोचते हो? सर जो हो चुका है बस वही समटाइम्स वही माइंड में आता है कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ. लेकिन फिर वो भी बहुत सारे मैं वीडियोस वगैरह में देखती हूँ तो मतलब जो भी आपके साथ होता है उसका एक रीजन होता है. एवरीथिंग इज हैपनिंग रीजन. मतलब अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो आपको उससे सीख लेनी चाहिए आगे. मतलब पता सब कुछ है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी समटाइम ऐसा होता है कि मतलब ओवर थिंकिंग करके एनजाइटी अटैक्स आने लग जाते हैं कि अभी पता नहीं क्या होगा, क्यों हुआ, किस लिए हुआ. मतलब जानते हुए भी वैसा होता है. अच्छा, एक कमाल की बात है. पता तो हमें सब कुछ है, किस किस को सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी हम हाथ धरे बैठे रह जाते हैं. बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर रखे हैं. अच्छा, तो पता सब कुछ है, बताओ इतना ज्ञान लेकर कहाँ जाओगे. उस ज्ञान को आत्मसात भी कर लेते हैं. क्योंकि इतना सारा ज्ञान तो ले लिया है कि पता सब कुछ है, बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर भी हम फंस जाते हैं. वो पास्ट कहीं ना कहीं हमें फंसा लेता है, वो चक्रव्यूह फंसा लेता है हमें. हम जानते हैं कि हर पास्ट में से कुछ सीखना जरूरी है. हर पास्ट इसलिए है, वो पास्ट एक्चुअली कुछ एग्जिस्ट नहीं करता. पहले तो ये समझना जरूरी है. किस किस को लगता है कि पास्ट एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, वो हाथ खड़ा करो जरा. पास्ट नाम की कुछ चीज है या नहीं है, कभी सोचा अपने आप से, कभी पूछने की कोशिश की है कि पास्ट क्या है. क्या है पास्ट? क्या पास्ट दिखाई देता है आपको? क्या पास्ट सुनाई देता है? क्या पास्ट महसूस होता है? या पास्ट सिर्फ आपके दिमाग से क्रिएटेड जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं उस क्रिएशन की एक इमेजिनेशन है बस, और कुछ नहीं. कि आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हुए कुछ समय पहले और वो जो एक्सपीरियंसेस हुए आपके दिमाग में, क्योंकि एक्सपीरियंसेस इतने इंटेंस होते हैं, इतने एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस होते हैं, वही तो रिकॉर्ड होते हैं दिमाग में. करेक्ट, जो छोटी मोटी आम रोज की जिंदगी होती है, रोजमर्रा की जिंदगी होती है, वो रिकॉर्ड होती है क्या? वो तो याद ही नहीं रहता.
पता ही नहीं, इतने अनअवेयरनेस में हम घूमते हैं, पता नहीं कौन आया कौन चला गया, किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन जो बात बहुत डीपली चुभ जाती है वो बात पकड़ी जाती है, उसमें अटक जाती है कि इसने ऐसा कैसे कह दिया, ये क्यों कह दिया क्यों. तो मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंसेस विच आर इंटेंस एंड एक्सट्रीम, वो एक्सपीरियंसेस बड़ी जल्दी दिमाग रिकॉर्ड कर लेता है. अब यहाँ पे एक तो कमाल की चीज है जिसे हम याददाश्त कहते हैं, जो मेमोरी कहते हैं, होता क्या है, ये है तो बड़ी कमाल की, लेकिन कहीं ना कहीं वही होता ना, बात यही आ जाती है, समथिंग विच इज अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग ऑल्सो स्टार्ट्स टू बिकम अ कर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड हो गया है वो सारे इंटेंस एक्सपीरियंसेस आपके जहन में, आपकी मेमोरी में रिकॉर्ड हो गए याददाश्त में, और हम बार बार उसको रिमाइंड प्लेबैक करते रहते हैं, शायद इस वजह से क्योंकि हमें लगता है कि हमारा आज सही नहीं है, यही रीजन है ना उसको प्लेबैक करने का. व्हाई डू यू प्लेबैक एंड रिमाइंड द स्टोरी दैट हैज हैपेंड टू यू, क्योंकि वो कहानी है सिर्फ और कुछ नहीं है, क्योंकि हो गया है ना आपके साथ वो 6 महीने पहले, 5 साल पहले, 10 साल से पहले, 15 दिन पहले, 25 दिन पहले, कुछ हो गई है घटना, वो उस समय का ट्रूथ था, वो उस क्षण में जब हुआ आपके साथ तो उस समय का सत्य था, उस समय का सच था, लेकिन आज एक कहानी है आपके दिमाग की, वो कहानी को जैसे मर्जी तोड़ मरोड़ दो, वो कहानी को जैसे मर्जी डायरेक्शन दे दो, वो डायरेक्शन कौन देगा, वो डायरेक्शन आप ही दोगे, कोई और नहीं देगा, हम उसको सही, मुझे लगता है सही दिशा नहीं दे पाते. हार्ट ब्रेक्स हर इंसान के होते हैं, सेपरेशन हर इंसान की जिंदगी में होता है, डेथ लव्ड वंस की, आसपास के लोगों की, जिनसे पेन होता है दुख होता है, हर इंसान की जिंदगी में होता है, लेकिन उसमें से कुछ इंसान कैसे जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, उनके ऐसे कुछ लोग हैं जो अटक जाते हैं, सोचो अगर ये ट्रूथ है, अगर ये सत्य है, ये सच है, तो सबके लिए एक बराबर होना चाहिए ना. आग में हाथ डालते हैं तो हाथ जलता है, ये सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता ना, मेरा हाथ हो, आपका हाथ हो, किसी और का हाथ हो, कुछ भी हो, करेक्ट है कि नहीं. लेकिन कहानियों में झूठ छुपा होता है, सिर्फ झूठ और कहानी एक जैसी होती है. अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है, कुछ लोग अटक जाते हैं, कुछ लोग मूव ऑन कर जाते हैं, मूव ऑन इन द सेंस कुछ लोग उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करके शायद जिंदगी में अपना बहुत कुछ कर पाते हैं, वो कैसे है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी की जो कहानी जो बीती है उनके साथ, उसको दिशा दे देते हैं बस सही. कुछ लोगों की नौकरी चली जाती है, उनको बड़ा दुख होता है, वो अटक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते, लेकिन कुछ लोगों की नौकरी चली जाती है तो कहते हैं वेरी गुड, अच्छा चली गई, अब समय आ गया बिजनेस शुरू करने का, शायद कुछ नया करते हैं, शायद कुछ नया ट्राई करते हैं. अब उन्होंने क्या किया, इंसिडेंट वो उनके साथ भी हुआ और इनके साथ भी हुआ, लेकिन एक इंसान ने उसको सही दिशा दे दी. वो दिशा कौन देगा आपके पास्ट को, उस कहानी को जो आपने जहन में पिरोली है, जो आपके साथ हो गया है, वो उस समय का सत्य था, आज आपके दिमाग में जस्ट अ स्टोरी इन योर हेड, समथिंग हैपेंड विद यू, इट्स अ स्टोरी, वी कीप रिक्रिएटिंग इट, रिक्रिएटिंग इट, रिक्रिएटिंग इट, रिक्रिएटिंग अगेन एंड अगेन इन आवर माइंड. और बड़ी कमाल की इस ब्रेन में एक ताकत है, जिसकी जिस चीज को मान लेते हैं वो सच हो जाती है, जिस चीज को पक्का मान लेता है वो उसके सामने सत्य के रूप में आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें विश्वास हो गया पूरा का पूरा. बिकॉज द ब्रेन डज नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज रियलिटी एंड व्हाट इज इल्यूजन. व्हाट इज रियलिटी और व्हाट इज इल्यूजन, मतलब क्या सत्य है और क्या भ्रम है, या क्या कहानी है या क्या झूठ है. जैसे फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ तो बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, मूवीज देखने जाते हो सबके सब, जब मूवी देखने जाते हो तो पैसे खर्चते हो, करेक्ट, पैसे खर्चते हो, पॉपकॉर्न लेते हो, पेप्सी लेते हो, बैठते हो मूवी थिएटर के अंदर और फिल्म शुरू होती है, सबको पता है वहां पे एक प्रोजेक्टर है, पीछे से ऊपर से एक लाइट आती है, करेक्ट, और उस लाइट में से कुछ विजुअल्स निकलते हैं और वो स्क्रीन पे एनैक्ट होते हैं, स्क्रीन पे दिखते हैं. लेकिन जैसे अंधेरा होता है थिएटर के अंदर और फिल्म शुरू होती है, ये हम जानते हैं कि ये नकली है, ये झूठ है, करेक्ट, ये कहानी है, लेकिन कैसे उसके अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जब स्क्रीन पे कोई एक्टर रो रहा होता है तो आप रो रहे होते हैं उस कहानी के अंदर, जब वो हंस रहा होता है तो आप हंस रहे होते हैं, जब वो कुछ और इमोशन महसूस कर रहा होता है आप उसके साथ हाथ पकड़ के उस इमोशंस को महसूस कर रहे होते हैं. ये सारे इमोशंस कैसे आ जाते हैं अंदर, सोचो ये सारे थॉट्स कैसे आते हैं, क्योंकि ब्रेन डज नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज रियलिटी एंड व्हाट इज इल्यूजन. उसके लिए जो सामने दिख रहा है, जो महसूस हो रहा है, वो सत्य मान लेता है उसको.
लेकिन सच ये तो नहीं ना, सच तो ये है कि वो झूठ है, वो नकली है, वो एक कहानी है सिर्फ, कहानी है ना। ऐसे हमारा पास्ट, हमारा पास्ट भी कहानी है, लेकिन हम पकड़ के बैठ के हमने उसको जो मान लिया है, जिस चीज को मान लोगे वो पक्का हो जाता है जहन में। आप सभी को आवाज आ रही है मेरी? But sir, you are not visible. Yes, Ashok sir, you are not visible right now. Where are you, sir? Can you guys hear me right now? आवाज आ रही है? Okay. Yes, sir. मैं दिखाई भी दे रहा हूँ आपको? Yes, sir. Yes, sir. You are audible and visible. Yes, sir. You are audible right now. Thank you. Can you please mute yourself, everyone? Let's continue. चलो, किसी ने जाने अनजाने में मेरे पापा का नाम ही ले दिया। That's really nice. मैं जहां पर भी हम बड़े खुश रहूंगे इस बात को सुन के किसी ने अशोक सर बोल दिया मुझे। ओके, सो जिस बात को हम मान लेते हैं वो पक्की हो जाती है। बड़ी सिंपल सी बात है। किसी ने भगवान को देखा है? जिसने देखा है वो हाथ खड़ा करे। कोई कोई इस बात की पुष्टि कर सकता है कि भगवान है? कर सकता है क्या? किसी ने देखा है, सुना है, महसूस किया, अपने पांच सेंसरी ऑर्गन से टच किया है? लेकिन क्या है, हम इस बात में मानते हैं, विश्वास करते हैं कि कोई एनर्जी है। जहां फंस जाते हैं जिंदगी में तो कोई एनर्जी है, यूनिवर्स में कोई कॉस्मिक एनर्जी है, भगवान है, ईश्वर है, कोई भी नाम दे दो, कि जब फंस जाते हैं तो वह आपकी जिंदगी को आगे बढ़ा देता है, आपको रास्ता दिखा देता है। करेक्ट? क्योंकि हमने मान लिया है तो वो सत्य के सामने, सत्य के रूप में हमारे सामने प्रकट होना शुरू हो जाता है। हमें दिखता भी वैसे ही, महसूस भी वैसे ही होता है। जब समथिंग हैपेंस व्हिच इज बियॉन्ड अस, वी फील देयर इज सम मैजिक, वी फील देयर इज गॉड। कोई है, कोई एनर्जीज है, क्योंकि हमने माना हुआ है उस बात को। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानते हैं, एथीस्ट जिन्हें कहते हैं, जो ईश्वर में नहीं मानते, भगवान में नहीं मानते, तो वो क्या करते हैं? उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग चीजों में सोचते हैं, वो कॉज एंड इफेक्ट में सोचते हैं कि व्हाट आई एम सोइंग इज व्हाट आई विल रीप। जैसा मैं बोऊंगा वैसा मैं पाऊंगा। अगर मैंने एक कॉज क्रिएट किया उसका एक इफेक्ट क्रिएट होता है। तो जैसा आप मानोगे वैसा आपके साथ होना शुरू होगा। सपने क्या होते हैं? हकीकत तो नहीं होते ना। रात को सोते हो और सोते समय कुछ सपना आता है, बहुत बड़ी ऐसा सपना आता है जिसे हम बुरा सपना कहते हैं, कि अचानक से बुरा सपना देखते हैं और जैसे ही जागते हैं, जागते समय शायद बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं, रोना भी शुरू कर देते हैं, ये जानते हुए, ये महसूस करते हुए, समझते हुए कि ये सिर्फ एक सपना था। अब लाइट चल चुकी है, घर के अंदर है, एवरीथिंग इज सेफ, एवरीवन अराउंड अस इज सेफ एज वेल। बट उसके बावजूद हम रोते रहते हैं या परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, ये जानते और महसूस होते हुए भी कि सपना है। बिकॉज द ब्रेन डज नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज रियलिटी एंड व्हाट इज इल्यूजन। उसके लिए वो सपना सच है, क्योंकि वो सारे इमोशंस वैसे ही महसूस कर रहा है, एग्जैक्टली द सेम वे इज योर पास्ट। सपना आपके साथ घटित हो चुका है, एक इंसिडेंट, एक वाक्य जो आपके साथ हो चुका है कई साल पहले, कई समय पहले, आपने बस उसको पकड़ लिया है। और आप, क्योंकि आपके पास एक बहुत ब्यूटीफुल सा टूल है जिसे हम याददाश्त कहते हैं, मेमोरी कहते हैं, आपने इसके साथ अटैच कर लिया है और बार बार आप उसको ट्रिगर करते रहते हैं, क्योंकि शायद हमें लगता है कि हमारा आज बेहतर नहीं है। अगर आज बेहतर होता तो बार बार उसकी तरफ क्यों जाते? करेक्ट? और ये कौन तय कर रहा है कि मेरा आज बेहतर नहीं है? ये भी आप ही तय कर रहे हो। हो सकता है आपका आज बहुत ज्यादा बेहतर है इंस्टेड ऑफ जो पहले था, लेकिन हम इसे समझते नहीं है। हमें लगता है शायद जिसके साथ
साथ छूट गया है या कोई नौकरी छूट गई है या कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया है, शायद जो भी हुआ आपके साथ बुरा ही हुआ होगा ना, जाहिर सी बात है, करेक्ट? शेम, रिग्रेट, ह्यूमिलिएशन, मॉकिंग, किसी ने मजाक उड़ा होगा, किसी की बात चुप गई होगी, किसी ने, क्योंकि हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल भी है, तो बहुत सारी बातें चुपती चली जाती हैं, बहुत सारी पेन उसके अंदर से एंड्योर होती रहती है और उसको हम पकड़ के बैठ जाते हैं, किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, किसी ने कुछ बुरा भला बोल दिया, ये सारी चीजें क्या करती हैं, जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है ना, इसके साथ चलो एक क्लियर और डीप में चलते हैं, इसके साथ क्या होता है, हमारे पास्ट में हमारी बहुत कंडीशनिंग हो जाती है इस दिमाग की, मतलब एक समझ लो प्योर सा छोटा सा एक दिमाग है, इसके ऊपर बहुत सारी परत के ऊपर परत के ऊपर परत के ऊपर परत चढ़ती चली जा रही है, वो परत क्या है, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें, बहुत सारी कंडीशनिंग, इसने ये कहा, उसने वो कहा, इसने ये कहा, उसने वो कहा, मॉम, डैड, भाई बहन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आस पास के जितने भी लोग, भाई बहन, कजन, रिलेटिव, फ्रेंड्स, टीचर्स, प्रिंसिपल, बहुत सारे लोग, उस सारी बातों को हम इकट्ठा कर लेते हैं दिमाग में और वो सारी बातों के बैगेजेस हमारे जहन में चलते चले जाते हैं और वो सारी बातों को हम सच मानते चले जाते हैं जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर बचपन में किसी ने कह दिया कि आपकी हाइट तो बड़ी छोटी है, आपकी तो कभी शादी नहीं होगी, तो आपके जहन में ये बात बैठ जाती है और आप उसको पक्का मान लेते हो, सत्य नहीं है, सत्य तो नहीं है ना, छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी। एक स्टूडेंट थी मेरी आकांक्षा, बहुत साल पहले, उसके दिमाग में बात बैठ गई थी, जैन परिवार से थी, 8-9 साल की थी, अच्छी वाली थी, खेलती कूदती रहती थी, 10-11 साल में किसी ने डाल दी घर के अंदर, जॉइंट फैमिली में रहती थी, 17 साल तक वो बात दिमाग में घूमती रही, 17 साल तक, टिल द टाइम शी वाज 27-28, और 17 साल तक वो सिर्फ सहनी रही जिंदगी में, 27-28 के आसपास व्हेन आई मेट हर, That is the time when we understand that that is the root cause. वो बात इतनी गहराई से छप जाती है। Phenomenal lawyer, अपना काम बहुत अच्छे से करती थी। But जैसे किसी से बात करने की बात आ जाती थी, तो बस अपने ही कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, सहम जाती थी। Simple. क्यों? क्योंकि past की एक बात का एक conditioning का impact पड़ गया और उसको सत्य मान लिया है, क्योंकि आसपास के लोग उसको बोल बोल के आपको फंसा देते हैं और आपको लगता है यही सच है। और आपका दिमाग जब उस झूठ को सच मान लेता है या उस सपने को हकीकत मान लेता है या उस इल्यूजन को रियलिटी मान लेता है, बस आप उसी नजरिए से इस दुनिया को देखते हो, फिर आपके लिए दुनिया वही दिखनी शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली, फिर उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज देखते हो। जरा सा कुछ बुरा होता है अपने साथ, देखो मैंने तो पहले ही कहा था मेरे साथ तो ऐसा होना लाजमी है, या फिर आसपास के लोग आपको बोलना शुरू कर देते हैं, तुम फंस जाते हैं। आपका सत्य क्या है, आपको खुद खोजना है। अपनी बहुत सारी कंडीशनिंग को तोड़ना भी पड़ता है, इसलिए बहुत सारी चीजों को अनलर्न करना पड़ता है। एवोल्यूशन का मतलब यही है कि बहुत सारी चीजें जो परत जम गई है, बहुत सारी आपके ऊपर, उसे तोड़ना जरूरी है, उसे छोड़ना जरूरी है, ताकि कुछ नया सीख पाओ। तभी तो ओवर थिंकिंग होती है कॉन्स्टेंटली, क्योंकि वहां फंस जाते हैं, पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, तो बातें जहन में छप जाती हैं, फिर उसको हकीकत मान लेते हैं और फिर उसमें अटक जाते हैं, फिर वही पास्ट की रिग्रेट, पास्ट की गिल्ट, पास्ट की शेम, ह्यूमिलेशन, मॉकिंग, बातें, इमोशन, सब चीजें आपके जहन में गोल 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 घूमती रहती है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, ओवर थिंकिंग क्यों होती है, हमेशा याद रखना, ओवर थिंकिंग सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट में होती है। जब जब आपके अंदर अंतर्द्वंद होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तब ओवर थिंकिंग होगी, वरना कभी ओवर थिंकिंग नहीं होगी। इस बात को गांठ बांध लो। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, पास्ट में जो हो चुका है, चलो पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करते हैं, जब पास्ट में जो हो चुका है वो आपके मन मुताबिक नहीं हुआ, तभी तो उसके बारे में सोच रहे हो, अगर मन मुताबिक हो जाता तो सोचते क्यों। समझ में आई बात, अगर इच्छा अनुसार हो जाता फिर थोड़े ना सोचते, इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तभी तो परेशानी हो रही है। अब ये पास्ट है, ये आपका प्रेजेंट है, ये कभी मिल नहीं पाएंगे, इसके बीच में हमेशा अंतर्द्वंद रहेगा ही रहेगा।
क्योंकि पास्ट पास्ट है, वो हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है। अब इसके बीच में अंतर्द्वंद चलता रहता है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, और ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही सारे के सारे प्रॉब्लम है। सोच इधर उधर जो गोल गोल घूम रही है, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से है। अगर पास्ट में हाइपोथेटिकली किसी से सेपरेशन हो गया और आपने उस लम्हे पे डिसाइड कर लिया कि अच्छा हुआ हो गया, एक्सेप्ट कर लिया इस बात को, हो गया, दोनों ही तरीके हैं। एक तरीका यह है कि बुरा हो गया मेरे साथ, चलो बुरा हो गया तो भी कोई बात नहीं है, एक्सेप्ट तो करना ही, कर लेते हैं एक्सेप्ट। द मोमेंट यू कंप्लीटली एक्सेप्ट इट, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट है सोचो? द प्रॉब्लम इज वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट, हम स्वीकार नहीं कर पाते, हम रेसिस्ट बहुत ज्यादा करते हैं, लड़ते रहते हैं उसके साथ, परसिस्ट करते रहते हैं कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा था, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। कमाल की बात है, भगवान सबके साथ ही ऐसा करता है, यहाँ में जितने लोग हैं सबके साथ कुछ ना कुछ गारंटेड है, लिखवा लो। लेकिन सबके रंग रूप अलग होंगे, फॉर्म्स अलग होंगे, लेकिन हम दिखते हम खुद ही है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। इसमें एक लेयर और डीप है, मेरे साथ का मतलब है मैं, और जो मैं है ना, यही खतरनाक चीज है सबसे बड़ी, क्योंकि मैं ही ईगो, और ईगो क्या करती है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ढूंढती है, वो कॉन्फ्लिक्ट के बिना सरवाइव नहीं कर सकती। जब किसी ने, जब कुछ पास में हुआ, आपने उसकी एक्सेप्टेंस कर ली, तो ईगो ड्रॉप हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन जब ईगो को जागृत होना होता है तो कॉन्फ्लिक्ट करती है, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता मेरे साथ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो कोई कैसे कर सकता, अब मैं उसके साथ ये करूंगा या मैं उसके साथ ये करूंगी, मेरे बॉस ने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, हाउ कैन समबडी डस दिस टू मी, या मेरे घर वाले मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, वो मुझे अच्छे से ट्रीट क्यों नहीं करते, वो मेरा ख्याल क्यों नहीं रखते, वो पड़ोसियों का ख्याल क्यों ज्यादा रखते हैं, मेरे छोटे भाई, मेरी बड़ी बहन, मेरे दोस्त, इन सब का ख्याल क्यों रखते हैं, ये मेरा, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा स्पाउस, ये लोग मेरे समझते क्यों नहीं, ये सब क्या है, द एंड ऑफ द डे मैं ही तो आता है इन सब के अंदर, सारी कहानी मैं की तो आती है, क्योंकि ईगो को कॉन्फ्लिक्ट चाहिए, उसका सर्वाइवल ही कॉन्फ्लिक्ट पे है। द मोमेंट, जैसे पुराने जमाने में अगर आपने कभी पढ़ा हो वेद शास्त्र के बारे में थोड़ा, तो एक भक्ति योग नाम की चीज होती है, गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग की बात की। भक्ति योग क्या होता है, भक्ति योग का मतलब ही समर्पण है, समर्पण का मतलब क्या है, कंप्लीट एक्सेप्टेंस। भक्ति योग क्या कहता है कि ईश्वर के लिए पूरी की पूरी सब चीजें आपको न्योछावर, मतलब जो होगा मेरी इच्छा अनुसार उसका भी मैं कंप्लीट वेलकम करूंगा, जो इच्छा अनुसार नहीं होगा उसका भी कंप्लीट वेलकम करूंगा, आई विल डिवोट एवरीथिंग दैट आई हैव टू यू, टू द यूनिवर्स, टू द गॉड, टू द डिविनिटी। डिवोशन का मतलब क्या है कि मैंने सब चीजें आपको समर्पित कर दी, कि मुझे कुछ अच्छा मिलता है, मेरी तारीफ भी आपको समर्पित, मेरी आलोचना भी आपको समर्पित, तो क्या हुआ, आप बैलेंस्ड हो गए। भक्ति योग का मतलब समर्पण, समर्पित, समर्पण का मतलब एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब इच्छा अनुसार हो तो भी एक्सेप्टेंस, इच्छा अनुसार नहीं हो तो भी एक्सेप्टेंस। पास्ट में जो हो गया उसको एक्सेप्ट कर लिया तो क्या परेशानी है, हो गया। अब जब हो गया है, एक्सेप्ट कर लिया तभी तो आगे बढ़ पाओगे, जब हो गया और एक्सेप्ट नहीं किया आज तक, तो आगे कैसे पढ़ोगे, बार बार ये टेप वापस जाएगा कि नहीं, रिवाइंड प्ले बैक, रिवाइंड प्ले बैक, रिवाइंड प्ले बैक। अच्छा, कमाल की बात है, इसमें एक बड़ी और होती है कि हम बहुत बारी जाने अनजाने में खुद को ही सेल्फ विक्टिमाइज करते रहते हैं। बचना इससे, सेल्फ विक्टिमाइजेशन से। सेल्फ विक्टिमाइजेशन का मतलब है खुद पर दया भाव, खुद को कमजोर समझना, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, सेल्फ पिटी, सेल्फ लोदिंग खुद के बारे में ही, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोल दिया, हम खुद के बारे में भी वो रिपीट करते रहते हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, आई कांट डू दिस टू माय सेल्फ, मैं कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरी जिंदगी का कुछ नहीं होगा। हम एक सेल्फ विक्टिमाइजेशन मोड में चले जाते हैं, वो और भी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि फिर हम खुद को ही परेशान करते रहते हैं, खुद ही खुद में खुद को दुख देते रहते हैं, खुद रोते रहते हैं, खुद को पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक, डिप्रेशन में डालते रहते हैं, और हमें ये लगता है कि दूसरे हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। दूसरों ने कई साल पहले कुछ एक लम्हे में एक चीज कह दी, बोल दी, वो खत्म हो गई वहीं पर ही। अब हम उस बात को पकड़ के बैठे हैं, पता नहीं उस इंसान को बात याद भी है कि नहीं, पता नहीं शायद वो जिंदगी के किसी और पहलू पे पहुंच के आ गया, कहीं और आगे बढ़ गया, आपको क्या पता।
लेकिन हम उस बात को पकड़ के बैठ जाते हैं. जब हम पकड़ के बैठ जाते हैं तो स्टक हो जाते हैं. इसलिए बहुत जरूरी है लेट गो, इसलिए बहुत जरूरी है लर्निंग द लेसंस ऑफ लाइफ, इसलिए बहुत जरूरी है एवोल्यूशन, इसलिए बहुत जरूरी है कुछ नया सीखते चले जाना, इसलिए बहुत जरूरी है खुद को अपग्रेड करना, इसलिए बहुत जरूरी है समर्पण करना, इसलिए बहुत जरूरी है एक्सेप्टेंस करना, ताकि बहुत सारी चीजें ढहनी शुरू हो जाए. बहुत सारी चीजों के चक्रव्यूह में जो हम फंस जाते हैं, जो बहुत सारे बाकी चीजों से बाहर निकल जाए. सो दैट दिस ओवर थिंकिंग शंस डाउन, इट स्टॉप्स. इस प्रेजेंट मोमेंट के अलावा, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं आप मेरी बात सुन रहे हो, इस क्षण के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है. बस दिस इज द इटर्नल ट्रूथ, दिस इज द प्रेजेंट मोमेंट. बस इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, बस ये लम्हा दे सकता हूँ अपनी जिंदगी का. और आप भी कुछ नहीं दे सकते, ये लम्हा ही तो दे सकते हो. बस इस लम्हे के अलावा कुछ है नहीं. जैसे इस लम्हे से बाहर निकलते हो तो पास्ट और फ्यूचर के चक्र में फंस जाते हो. बस यही समझना जरूरी है, ना कुछ पास्ट था ना कभी कुछ फ्यूचर होगा, वो उस लम्हे का प्रेजेंट होगा जिसे आप फ्यूचर कहते हो. जैसे कल सुबह 11 बजे जिसे हम कहते हैं फ्यूचर है, वो फ्यूचर नहीं है, वो उस लम्हे का 11 बजे का प्रेजेंट मोमेंट होगा. और जिसको आप पास्ट कह रहे हो वो भी एक समय में प्रेजेंट मोमेंट था, बस आपके दिमाग में चिप है जो रिकॉर्ड कर लेता है, जिसे हम मेमोरी कहते हैं. उसने रिकॉर्ड कर लिया एंड यू आर रीलिविंग और रिक्रिएटिंग डेलिबरेटली ऑल दोस एक्सपीरियंसेस इन योर माइंड एट योर ओन विल. इट डजंट कम टू यू, यू रिक्रिएट इट, एंड देन बिकॉज यू रिक्रिएटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो एक लूप बन जाओ, तो फिर वो लूप आपके हाथ से बाहर हो जाता है. सिंपल. क्रिएट किसने किया उस लूप को? आपने. शुरुआत किसने की? आपने. बार बार किसने सोचा उसके बारे में? आपने. अब क्या है, बार 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 10-15 बार सोच लिया तो उसके बाद वो लूप क्रिएट हो गया. अब उसने अपनी फॉर्म ले ली. अब वो कभी आप खाली बैठे होते हो, कुछ समझ में नहीं आता दिमाग में, तो वो लूप वापस आ जाता है, बिकॉज उसके पास कुछ और काम नहीं. इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हो या फिर कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते हो, तो पुरानी चीजें आ जाती है. जो पुराना मटेरियल पड़ा हुआ है बेसमेंट के अंदर, वो इरप्ट हो जाता है. जैसे ही दिमाग नई चीज की तरफ जाता है, कैसा होता है, दिमाग शांत हो जाता है. आपको पता, जैसे ही इस लम्हे पे बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ शांति महसूस हो रही होगी. क्यों? क्योंकि कुछ नया सुन रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया समझ रहे हो. ऐसे जब किताब पढ़ते हो या कुछ नया देखते हो या कभी कुछ नई आवाज सुनते हो, तो दिमाग कॉन्स्टेंटली उस आवाज की तरफ जाता है कि क्या है ये, कौन सी आवाज है, मैंने सुनी नहीं है. हर चीज छोड़ के इट कम्स बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट, इट वांट्स टू लिसन टू दैट वॉइस वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम. लेकिन अगर वो आवाज सपोज किसी गाड़ी की है या किसी ट्रक की है, तो कोई दिक्कत नहीं ना. एक सेकंड के लिए सुनता है, उसको लगता है वो आवाज गाड़ी की, ट्रक की, उसे पता है इट्स ओके, एवरीथिंग इज सेफ. छोड़ दो, अगेन कम्स बैक टू द रेपिटेशन ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन योर पास्ट. बट समथिंग न्यू, द मोमेंट इट कम्स अप, द मोमेंट इट कम्स अप, सारी ओवरथिंकिंग शट डाउन हो जाती है, बिकॉज अब यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट something which is there in the present moment. Is shan ke alawa, is lamhe ke alawa, is moment ke alawa kuch bhi nahi hai. Start to live your life in the present moment. Ye lamha aapke paas hai, isi mein jo action karoge usi ka result kal milega. Isi lamhe mein agar kal ke bare mein sochte rahoge to is lamhe ko waste karte chale jaoge. Ye lamha important hai. Value what you have. We also do not value our present moment. We do not value our time. We do not value our life. हम ऐसा लगता है हम value करते हैं, लेकिन value नहीं करते हैं. Value करते तो हम बार बार सोच में थोड़ा ना डूबते चले जाते हैं. जानते हुए अगर मैं आपसे पूछूंगा, सबको पता है इसके overthinking causes stress, causes anxiety, causes panic attacks, causes you know depression. पता है कि नहीं पता? जब पता है तो क्यों कर रहे हैं? पता होने में और उसके अगेंस्ट कुछ करने में या उसको समझने में या उससे बाहर निकलने के लिए थोड़ी सी तपस्या, थोड़ी सी मेहनत लगती है. सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ इवॉल्वमेंट में, सेल्फ इवॉल्वमेंट में या एवोल्यूशन में या कुछ नया सीखने में, कुछ नया करने में या चीजों को छोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी, थोड़ी सी परेशानी तो आएगी. पुराने बैगेजेस लेके बैठे हुए हो. अब वो बैगेजेस कैसे होते हैं ना, वो आपको एक कम्फर्ट जोन दे देते हैं.
है कि नहीं आपके बैगेजेस में आपका कंफर्ट जोन? सोचिए जरा, खुद से पूछो. जितने भी आपके बैगेजेस हैं, जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जिसको सोचते रहते हो, क्या उसमें कंफर्ट जोन महसूस नहीं होता? उसके अंदर एक कंफर्ट जोन महसूस हो जाता है, हम उसके अंदर फंस जाते हैं, उस एक्सपीरियंस के अंदर अटक जाते हैं. छोड़ने के लिए थोड़ी सी मुश्किल आती है, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा ना. और एक कमाल की बात है, जैसी समझ आ जाती है ना चीजों की, वैसी चीजें छूट जाती हैं. जैसी समझ बढ़ेगी जिंदगी में, बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी. जब समझ ग्रो करती है हमारी, जब हमें समझ में आ जाता है कि ये बॉटल है, सपोज एक बॉटल ही है, इसमें पानी ही है बस, और कुछ नहीं है. जब समझ में आ जाएगा तो ये बॉटल टूट भी जाएगी, फिर से पानी गिर भी जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर मेरे को यही भ्रम रहे कि नहीं यार, ये सोने की बॉटल है, इसमें पता नहीं कौन सा अमृत है जिससे पूरी दुनिया के अंदर विकास हो जाएगा, और मैं कहीं ना कहीं अमृत को प्राप्त हो जाऊंगा, तो क्या होगा? तो भ्रम है, इल्यूजन है. लेकिन जैसी समझ में आ जाती, जैसी चीजें क्लियर दिखनी शुरू हो जाती है हमें, वैसे लाइफ सिंपल हो जाती है, सॉर्टेड हो जाती है. हम बहुत सारे लोगों को, चलो पास्ट के बारे में तो हमने बात कर ली काफी सारी, हमने पास्ट की बात की, प्रेजेंट की बात की, इसी के साथ एक कमाल की चीज जुड़ी है जिसे हम फ्यूचर कहते हैं. फ्यूचर के बारे में भी बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं, कल क्या होगा, होगा नहीं होगा, क्या करें क्या नहीं करें, इसके बहुत सारे डर खाते रहते हैं कि अगर जो सोचा है वो नहीं हुआ तो कैसे हैंडल होगा. अपने आप से पूछ के देखो, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि आज तक जो मैंने सोचा है क्या वाकई में हुआ है? किस किस की जिंदगी में जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है? वो हाथ खड़ा करे बस. जो आपने सोचा था क्या हुआ है वैसा? 99% मैं कह सकता हूं कि जो आपने सोचा था ना, उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट, कुछ अलग सा ही होगा जो आपने बिल्कुल नहीं सोचा होगा जिंदगी में. दिस इज हाउ लाइफ इज. लाइफ्स मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज दैट लाइफ हैपेंस इन अनप्रेडिक्टेबिलिटी. अनप्रेडिक्टेबिलिटी मतलब समझते हो, पता नहीं क्या होगा, अननोन. जो आपने सोचा नहीं है वही होता है, उसमें तो खूबसूरती है उसकी. जो सोचा है वो होता रहेगा, वही होता रहेगा, तो क्या लाइफ बोरिंग नहीं हो जाएगी? क्या जिंदगी जीने में मजा आएगा? या अचानक से कुछ नया हो जाता है जो आपने सोचा भी नहीं, और अचानक से फिर आपको कुछ नए तरीके से रिएक्ट करना पड़ता है चीजों के अंदर. हाँ, उसमें डर बहुत ज्यादा लगता है, बट दैट्स हाउ लाइफ इज. इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस ओनली, यू हैव टू एक्सेप्ट इट. द प्रॉब्लम इज वी फियर दैट इफ समथिंग अनप्रेडिक्टेबल हैपन, विल वी बी एबल टू हैंडल इट, विल वी नॉट बी एबल टू हैंडल इट. क्या उसको हैंडल कर पाएंगे या नहीं? जब मुसीबत आएगी तो हैंडल कर ही लोगे, अच्छे अच्छे लोग हैंडल कर ही लेते हैं. हमें ऐसा लगता है कि हम हैंडल नहीं कर पाएंगे. अगर एग्जाम में फेल हो जाओगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, एक साल रिपीट करना पड़ेगा, और क्या होगा? थोड़ी बहुत परिवार से ह्यूमिलिएशन मिलेगी, वो मिलेगी तो मिलेगी, क्या करोगे? ब्रेकअप हो जाएगा तो हो जाएगा, किसने कौन सा गारंटी लिया साथ निभाना है जिंदगी भर, या फिर जन्मों जन्मों की कस्में खाई हो तो बात अलग है. होना उसमें भी कुछ नहीं है. बड़ा सिंपल है. जो इंसान जिंदगी में आया है वो एक लम्हा ऐसा होगा जब जिंदगी से जाएगा भी, ये सत्य है. सिंपलेस्ट एग्जांपल, हम सबके पेरेंट्स हैं, करेक्ट? कभी ना कभी तो सेपरेट हो गए ना उनसे, किसी भी फॉर्म में सेपरेट हो. जिनसे इतना लगाव है उनसे ज्यादा तो आइडियलाइजिंग किसी की होती नहीं, उनसे ज्यादा लगाव भी किसी का नहीं होता. कहते हैं उन्हीं के साथ सारा अनकंडीशनल लव होता है, तो क्या उनसे सेपरेट नहीं होते? जब काम करने के लिए जाते तो क्या सेपरेट नहीं होते उनसे? जब किसी और शहर में कर्म करने के लिए जाते तो सेपरेट नहीं होते? या आप शादी करते हो एज अ वुमन, तो आप सेपरेट होकर दूसरे घर में नहीं जाते हो? जब अपने बच्चे हो जाते हैं तो माँ बाप की तरफ लगाव कम नहीं हो जाता? सोचो सोचो, होता है कि नहीं होता? सिंपल है, वो तो होना ही होना है. तो जितना हम चीजों को सोच सोच के डरते चले जाएंगे, उतना अपने आज के लम्हे को, आज के क्षण को खत्म करते चले जाएंगे. तो बहुत जरूरी है, ये डर तो आपका पीछा कभी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आप कोशिश करो कि इस लम्हे में रहने के लिए. होगा जो होगा, देख लेंगे आगे के आगे. इतना विश्वास तो खुद पर रखना ही पड़ेगा.
वी विल क्रॉस द ब्रिज वंस वी अराइव. देखो पेन तो वैसे भी जिंदगी का हिस्सा रहेगी. अगर कोई आपको कह रहा है कि जिंदगी में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होंगे, पेन नहीं होगा, सब चीजें बहुत ब्लिसफुल हो जाएंगी, कभी ऐसा लम्हा नहीं होगा, बीच बीच में चीजें आती रहेंगी जिंदगी के अंदर, ताज चढ़ाव आते रहेंगे, दिस इज हाउ लाइफ इज गोइंग टू बी. यू हैव टू एक्सेप्ट. Sir, you are not audible and stuck also. Video is also stuck. Okay, back again. Yes. Can you guys hear me clearly? Yes, sir. All okay? Yes, sir. So, main keh raha tha, pain to zindagi ka hissa rahegi rahegi. Discomfort to hoga hi hoga. Wo hota rahega. Kya dikkat hai? लेकिन होता क्या उस पेन से, देखो पेन में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पेन से पहले का जो डर है ना उसमें प्रॉब्लम है. मतलब इंजेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होती, इंजेक्शन लगने से पहले जो हमारे हाथ पैर कांप जाते कि अभी इंजेक्शन लगने वाला है, लगने वाला है, लगने वाला है, हमें चुभेगा, चुभेगा तो क्या होगा, कैसा होगा, उसमें प्रॉब्लम है सारे के सारे. वो जो फियर है उससे पहले का, दैट फियर इज द इशू. होता क्या पास्ट में एक पेन क्रिएट होता है, उस पेन को पकड़ लेते हैं, फिर हमारा दिमाग क्योंकि प्रोटेक्ट करना चाहता है हमें, द ब्रेन वांट्स टू प्रोटेक्ट यू, इट डजंट वांट टू मूव टुवर्ड्स पेन, इट जस्ट वांट्स टू कीप प्रोटेक्टिंग. दैट इज बॉडीज इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, वो सर्वाइवल की तरफ ही जाती है कि आपको कोई दर्द ना हो, कोई दुख ना हो, कोई परेशानी ना हो किसी प्रकार की, लेकिन वो होगी. अगर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फियर अपने आप ढह जाते हैं. फियर भी क्या है, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल. झूठी तो है फियर, पता नहीं है कि नहीं है, आपके मन की एक कहानी है फियर कि ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, तो हो जाएगा, पता नहीं जिंदगी में फिर क्या होगा. डरते रहते हैं, 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 कितना डर होगी जिंदगी में, और उस डर के चक्कर में हम कहानियां बनाते रहते हैं कि अच्छा ये हो जाएगा तो पता नहीं हैंडल होगा कि नहीं होगा, एक काम करते फिर नहीं करते, अच्छा मन तो कर रहा है करने का लेकिन फिर नहीं करते, अच्छा मन तो कर रहा है करने का अच्छा फिर नहीं करते, अच्छा मन तो फिर भी कर रहा है करने का, अब क्या करें, एक तरफ मन कर रहा करना है, एक तरफ दिमाग कर रहा नहीं करना, मन कर रहा करना, दिमाग कर रहा नहीं करना, तो करें क्या, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट अंतर द्वंद. जब कॉन्फ्लिक्ट आता है तो क्या होता है, फिर ईगो जाग जाती है, फिर वो अपना एक नया रूप लेती है, फिर फंस जाते हैं, फिर वही ओवर थिंकिंग, वही कॉन्फ्लिक्ट. तो थोड़ा सा डीप में समझना जरूरी है हम क्या कर रहे हैं. इस अंतर द्वंद को जितना मिटाओगे, इसमें सिंपलेस्ट अगर कोई मुझसे पूछे तो वो समर्पण है. समर्पण का मतलब सरेंडर, सरेंडर का मतलब कंप्लीट एक्सेप्टेंस, कंप्लीट एक्सेप्टेंस का मतलब जो आपकी इच्छा अनुसार है उसकी भी एक्सेप्टेंस, जो इच्छा अनुसार नहीं है उसकी भी एक्सेप्टेंस. जो भविष्य में होगा अच्छा होगा तो उसके एक्सेप्टेंस, जो नहीं अच्छा होगा उसके भी एक्सेप्टेंस, आगे की आगे ही देखेंगे. फिर दुख होगा तो दुख झेल लेंगे, परेशानी आएगी तो परेशानी झेल लेंगे, जब होगा तब झेलेंगे ना, अभी उसके बारे में सोच के खुद को परेशान क्यों करना. आज का ये लम्हा जो क्षण है, जो इम्पोर्टेंट है, उसको क्यों खो रहे हैं ये सोच के कि कल जिंदगी में क्या होगा. अब कमाल की बात तो यह, इस लम्हे में ही तो सोच रहे हो कल के बारे में, सोचने से कुछ हो नहीं रहा, तो इस लम्हे में कुछ कर्म करते हैं, कुछ एक्शंस लेते हैं, बिकम अ गो गेटर सो दैट समथिंग हैपेंस, राइट. इस लम्हे को या तो मैं सोच सोच के खत्म और खारिज कर सकता हूँ, इस लम्हे में कुछ कर्म कर सकता हूँ जिसकी वजह से जिंदगी आगे बढ़ सकती है. अब सोच क्या है, सोच तो पास्ट और फ्यूचर के बारे में रहेगी हमेशा. यहाँ झूलोगे, यहाँ झूलोगे, यहाँ झूलोगे, यहाँ झूलोगे, होगा कहते हैं तो कुछ भी नहीं. अगर कुछ करना है तो पास्ट में जाओ, वहां से कोई लेसन आपका छूट गया, उस लेसन को समझो, उसको महसूस करो, जिंदगी में आगे बढ़ो. फ्यूचर के बारे में तो वैसे किसी को नहीं पता, कल क्या होगा, जो होगा होगा. अब कोविड आ गया तो मास्क बन गए, आज से पहले तो नहीं घूमते थे मास्क पहन के, अब हाथ भी धोते रहते हैं, सैनिटाइजेशन भी शुरू हो गई है, ध्यान भी रखा जाता है कितनी चीजों का. कैसे हुआ, जब फ्यूचर में कोविड आया करेक्ट,
तो आपने हैंडल कर ही तो लिया, जीवित हो ना, तो हैंडल कर लिया ना किसी तरह, घर में बंद किया, नहीं गए बाहर, सब्जियां 25 बारी धोई, फ्रूट्स 10 बारी धोए, सैनिटाइज किया, कुछ भी किया, किया तो सही ना। रुको, सवाल जवाब रुकते हैं जरा, अभी सिर्फ बात करते हैं, रुको, आई विल टेल यू, किया कि नहीं सोचो। तो बस जब देखो एक ऐसी बीमारी आई जो कहीं ना कहीं हमारी मृत्यु तक हमें पहुंचा सकती थी, करेक्ट, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन हमने हैंडल कर ही तो लिया, तो इसका मतलब क्या है, इंटेलिजेंस है, इसका मतलब दिमाग है, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। किसी ने गूगल से इंफॉर्मेशन ली होगी, किसी ने कुछ लिया होगा, किसी ने किसी की बात सुनी होगी, किसी ने अपना कुछ तिकड़म लड़ाया होगा, किसी ने घर में काढ़े बनाए, किसी ने हल्दी वाला दूध बनाया, ये कहां से है, कुछ ना कुछ तो किया ही ना आप लोगों ने, तो कर ही लोगे ना। तो जब कोई प्रॉब्लम, कोई विपदा, कोई परेशानी आएगी तो हैंडल कर लेना, अंदर ताकत तो बहुत है, संपन्न हो हर चीज से, संपूर्ण हो करने के लिए, लेकिन बस आत्मविश्वास कमजोर है, खुद पे विश्वास नहीं है कि कर पाएंगे कि नहीं, जब करना होगा तो हो जाएगा। इतना तो हौसला, इतना तो जज्बा, इतनी तो हिम्मत खुद में डालनी पड़ती है। गलत होगा तो भी ठीक है, सही होगा तो भी ठीक है, सही होगा तो बहुत अच्छी बात है, गलत होगा तो सीख लेना, उस गलती को रिपीट मत करना और आगे बढ़ जाना। क्या है जिंदगी, इतना ही तो सिंपल, उसको कॉम्प्लिकेट क्यों करते हो। देखो जिंदगी में दो ही चीजें होंगी ना, या गलत होगा या सही होगा, गलत होगा तो सीख लेना और उस गलती को दोबारा रिपीट मत करना और आगे बढ़ जाना, सही होगा तो सही हो ही जाएगा वैसे भी। अब प्रॉब्लम यहां पर आएगी कि सर गलत हो गया तो आसपास के लोग क्या कहेंगे, हमारे माँ बाप क्या कहेंगे, भाई बहन क्या कहेंगे, गर्लफ्रेंड क्या कहेगी, बॉयफ्रेंड क्या कहेगा, स्पाउस क्या कहेगा, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, कजन्स क्या कहेंगे। अब फैसला कर लो कि जीवन उनके लिए जीना है या अपने लिए जीना है, ये फैसला भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि आधी से ज्यादातर परेशानी यही है कि आसपास के लोग क्या कहेंगे, इन लोगों की चक्रव्यूह में तो फंसे हुए हैं और इसी के अंदर से कॉन्फ्लिक्ट है। अब होता क्या है, वो कुछ और कहते हैं, अंदर से मन कुछ और कर रहा है करने का, अब हो गया कॉन्फ्लिक्ट, हो गई ओवरथिंकिंग। अगर उन्होंने जो कहा और आप भी वही चाहते तो क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट है, सोचो, तब है कोई ओवरथिंकिंग। मम्मी ने कहा आईएएस बनना, आपने कहा आईएएस बनना है, तो हो गई ना, कोई कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा ना है, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना, वो भी सपोर्ट कर रहे हो और आप भी कर रहे हो। मम्मी ने कहा आईएएस बनना है, आपने कहा मुझे सिंगर बनना है, हो गया कॉन्फ्लिक्ट, घर में धमाल शुरू, तमाशा शुरू। At the end of the day, करना तो वही है जो मन कहेगा, जो अंदर से आवाज आएगी, और करोगे भी वही, और होगा भी वही। आज नहीं होगा तो 10 साल के बाद होगा। ऐसे लोग 20-20 साल के बाद नौकरियां छोड़ के अपने पैशन को फॉलो करते हैं, क्यों? At the end of the day, जो अंतरात्मा की आवाज है उसी को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जन्म तो उसी के लिए हुआ है। मेरे पेरेंट्स को नहीं समझ में आया मैं अभी तक क्या कर रहा हूँ पिछले 5-6 सालों से, शेयर हम लोग क्या है, लेकिन मैं तो कर रहा हूँ, अंतरात्मा की आवाज है। अब बोलो, वो कहीं ना कहीं घुमा के कैसे भी करके आपको वापस ले ही आएगी। तो सिंपल है, कोशिश ये करो कि कम से कम कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आओ। हाँ, अगर इस समय कोई सिचुएशन ऐसी है जो आपको अलाउ नहीं कर रही है कि अभी सिंगर नहीं बन सकते, अभी ये शायद आईएएस बनना जरूरी है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मे बी इट, यहां से मेरा सर्वाइवल हैंडल होगा, शायद यहां से मुझे इस समय पैसे चाहिए, घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, इस समय ये जरूरी है, तो कर लो। ये कौन सा सारी जिंदगी चलेगा, कुछ भी सारी जिंदगी नहीं चलता, कर लो 2-3-4-5 साल, क्या फर्क पड़ता है, कमा लो पैसे, आ जाएंगे तो छोड़ देना। नहीं नहीं, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा सर, मुझे तो सिंगिंग ही करना है। अरे तो सिंगिंग करने से कौन रोक रहा है, रात को 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक कर लो सिंगिंग जितनी मर्जी, कोई मना थोड़ा ना कर रहा, 7 बजे तक कर लो, 8 बजे तक कर लो, ऑफिस से आने के बाद कर लो, क्या लोग करते नहीं है, सिंगिंग करने में मजा आ रहा ना, एंजॉय करो। प्रोफेशन बनाना नहीं बनाना बाद में देखेंगे, अभी इस मोमेंट पे शायद वो पॉसिबल नहीं है, कुछ सालों के बाद पॉसिबल हो जाएगा। किसी भी चीज की कोई उम्र नहीं होती जिंदगी में,
लाइफ कोई रेस नहीं है, ये बेकार की तकिया नसीब बात है कि जिंदगी एक रेस है, आपको किसी को डिफीट करना, कोई रेस नहीं है जिंदगी। आपका मेरे से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, पहली बात तो ये है, मेरा आपसे क्या कॉम्पिटिशन। यहाँ पे समय 66 लोग दिख रहे हैं, किसी की भी शक्ल एक दूसरे से मैच नहीं करती, कमाल की बात है ना, मैच करनी चाहिए थी, तभी तो क्लोन्स में तो कंपैरिजन होता है ना। एक कौवे का, हाइपोथेटिकली एक कौवे का एक मछली से कोई कंपैरिजन है? दोनों की जाति अलग है, प्रवृत्ति अलग है, सोच अलग है, एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग है, आपकी भी तो अलग अलग ही हैं। फिर किसको किससे कंपेयर करते हो? मैं आपका कंपैरिजन पता किससे होता होगा? अपने दो दोस्तों से, अपने तीन दोस्तों से, अपने भाई बहनों से, जो पांच लोग आपके आसपास हैं घर परिवार के, उन्हीं से कंपेयर करते रहते हो। बोलो क्यों करना है वो कंपैरिजन, जब सब अलग अलग दिखते हैं, सबकी अपनी अपनी एनवायरमेंटल कंडीशनिंग है, सबकी अलग अलग परवरिश है। जब ईश्वर ने अलग अलग बनाया है तो अपना अलग रास्ता चुनो, किसने मना किया है? वहीं से शायद कुछ निकलेगा। और जितना कंपेयर करते रहते हैं उसमें उस रेस का हिस्सा बनते चले जाते हैं। एक लाइन पढ़ी थी मैंने, शिव खेड़ा साहब की एक किताब थी, बड़ी अच्छी लाइन है, ही सेड दैट इवन इफ यू विन द रैट रेस यू आर स्टिल अ रैट, इवन इफ यू विन द रैट रेस यू आर स्टिल अ रैट, स्टेप आउट ऑफ द रैट रेस। वहीं पे जीवन है, लाइफ इज टू लिव, लाइफ इज टू लव, लाइफ इज टू एंजॉय, लाइफ इज टू लाफ, लाइफ इज टू बी सैड ऑल्सो अबाउट, बट लाइफ इज नॉट टू कंपेयर, लाइफ इज नॉट अ रेस, एनीवेयर एनी टाइम कोई रेस नहीं है। अच्छा जब कंपैरिजन में आ जाओगे फिर कॉन्फ्लिक्ट आ गया, मैं ये हूँ मेरा कंपैरिजन इसके साथ किया जा रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट, मैं ये हूँ और मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मैंने इस कंपैरिजन को ड्रॉप कर दिया तो नो कॉन्फ्लिक्ट। नो कॉन्फ्लिक्ट मीनिंग नो ओवरथिंकिंग, मैं ये हूँ ये ऐसा है, मैं इसे बेहतर बन के दिखाऊंगा, मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा गलत है, मैं अपने माँ बाप को प्रूव करूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भाई बहनों को प्रूव करूंगा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आ गया तो फिर ईगो आ गई, ईगो आ गई तो ईगो को तो कॉन्फ्लिक्ट चाहिए, उसे हमेशा कोई ना कोई चाहिए नीचा दिखाने के लिए और खुद को ऊपर उठाने के लिए। और उसके लिए हजार जस्टिफिकेशन आप खुद को दे सकते हो, हजार झूठ खुद को बोल सकते हो, ये सत्य है। इसलिए बहुत स्ट्रॉन्गली अपनी ईगो पे चेक करना पड़ता है या चेक रखना पड़ता है, ऐसे जुप करके आ जाती है, ऐसे डसना शुरू कर देती है। इट्स लाइक अ पॉइजन, इट्स लाइक अ स्नेक व्हिच जस्ट इरप्ट्स एंड वांट्स टू पॉइजन एवरीवन। कॉन्फ्लिक्ट को छोड़ो, जितना कॉन्फ्लिक्ट को छोड़ते चले जाओगे ओवरथिंकिंग खत्म हो जाएगी, एक्सेप्टेंस में आ जाओ, स्वीकार करना या स्वीकृति, होने तो जो हो रहा है होने तो दो, देखो तो सही क्या हो रहा है कुछ समय के लिए। कॉन्फ्लिक्ट में क्या करते हैं हम, रेजिस्ट करते हैं, कहते हैं व्हाट यू रेजिस्ट इट परसिस्ट, जिस चीज को हम रेजिस्ट करते रहते हैं वो परसिस्ट करती रहती है, जैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं वो डिसॉल्व होने शुरू हो जाती है। अगर कह दिया है माँ बाप ने हाइपोथेटिकली अभी आईएएस की तैयारी करनी है और आपके पास कोई चॉइस नहीं, आपको लग रहा है कि करना ही पड़ेगा तो करो, देखो जरा क्या होता है, कहाँ पहुंचते हो, यू नेवर नो जिंदगी का कौन सा सिरा आगे आने वाले कौन से सिरे से जुड़ जाएगा, ये कभी नहीं पता लगेगा आपको। मुझे नहीं पता था जो आज मैं कर रहा हूँ, जो भी सेशन हो रहे हैं, ये कहाँ से जुड़ के, पता नहीं मेरे पास्ट में कौन सी चीजें हुई होंगी, इन सब चीजों का जुड़ाव, उन सब चीजों का मेल मिलाप, उन सारे तजुर्बे, उस सारे एक्सपीरियंसेस, बीइंग एन एक्टर, बीइंग अ क्रिकेटर, बीइंग अ क्रिएटर, बीइंग अ प्रोड्यूसर, बीइंग एवरीथिंग, वो सारे एक्सपीरियंस तो मेल मिलाप होके आ जाते हैं, कौन सी चीज कहाँ जुड़ जाएगी पता नहीं, कौन सी मैथमेटिक्स की क्लास में कुछ किया हुआ कौन सा मोमेंट आपको जिंदगी में काम आ जाएगा पता नहीं है, पता कुछ भी नहीं है। तो हर चीज को एक्सेप्ट करते जाओ, एम्ब्रेस करते जाओ और एक्सपीरियंस के तौर पे लेते जाओ, उसको अपने अंदर समेटते जाओ, वही आपकी ग्रोथ है, वही एवोल्यूशन है, वही जिंदगी है, वही जीवन और कुछ भी नहीं है, इतना सिंपल है। जो आ रहा है उसे एम्ब्रेस करते हैं, मन का है तो भी एम्ब्रेस करते हैं, नहीं मन का है तो भी एम्ब्रेस करते हैं। जब एम्ब्रेस कर लोगे तो फियर ड्रॉप हो जाएंगे, पास्ट को एम्ब्रेस कर लोगे तो सारी गिल्ट खत्म हो जाएगी, हो गया भाई गलती हो गई, अब
मान ली, गलतियां होंगी, हर इंसान से होती हैं। अब बोलो उस गलती से सीख के क्या करना है जिंदगी में। हम गलतियों में अटक जाते हैं। कौन सा ऐसा इंसान है जिसने गलतियां नहीं की? मैं तो आज तक कर रहा हूं, परसों ही हो गई थी, अब बताओ। कोई चीज सेट पे चल रही थी, हो गया, बस हो गई गलती, तो क्या हो गया? तो नहीं होनी चाहिए क्या जिंदगी में गलतियां? कौन कहता है जिंदगी में गलतियां नहीं होनी चाहिए? जब तक जीवन है तब तक आखिरी लम्हे तक गलतियां भी होती रहेंगी, संघर्ष भी होता रहेगा, लेकिन बस इतना है कि गलतियों से सीखते चले जाओ, खुद को इवॉल्व करते चले जाओ और आगे बढ़ते जाओ। आपकी सोल का मकसद ये है, द सोल हैज टेकन दिस ह्यूमन फॉर्म सो दैट यू कैन लर्न, सो दैट यू कैन आउटग्रो योरसेल्फ, दैट्स इट। एंड हाउ विल यू आउटग्रो? इन दिस फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ द ह्यूमन बीइंग, with all the experiences, with all the goods and the bads and the worst and the ugly, everything. Yahi se to seekhoge, aur kaise seekhoge? Seekh kahan se milti hai? Aise human form mein to mil rahi hai seekh. Kisi se judoge to acha bhi lagega, kisi se chhootoge to bura bhi lagega, kuch seekhoge bhi, samjhoge bhi, kuch galat bhi hoga, koi bura bhi bolega, koi conditioning thop dega aapke upar, lekin jab aap us parat ko bahar nikal ke aage utroge, तो ग्रोथ किसकी है? आपकी है या उसकी है? ग्रोथ तो आप ही की है ना, किसी और की तो नहीं है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो, बस सेल्फ ग्रोथ, बस इससे बड़ा कुछ नहीं। और जैसे ही खुद पे ध्यान देना शुरू करोगे, खुद को समझना शुरू करोगे, खुद की अंडरस्टैंडिंग खुद के बारे में होगी, अपने आप बहुत सारी चीजें ढह जाएंगी। खुद के साथ भी तो कुछ प्रोमिसेस करने पड़ते हैं, खुद के साथ भी तो कमिटमेंट होती है। छोटी छोटी चीजें हैं जिंदगी की, छोटी छोटी चीजें, अपने तरफ ध्यान देना, अपनी बॉडी की तरफ ध्यान देना। ये बॉडी तो सब कुछ है, सोचो आज ये बॉडी खत्म हो जाती है तो आपके लिए पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। एंग्जाइटी भी खत्म, पेन भी खत्म, डिप्रेशन भी खत्म, सारे के सारे ओवर थिंकिंग भी खत्म है कि नहीं सत्य? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आपकी सांस है, आपकी बॉडी? हाउ मच do we take care of it or how much do we ignore it? Aapse zyada sakte hai koi nahi janta. How much we understand that, you know, keeping this mind which is going haywire because of so much of fluctuations and distractions, keeping this mind sane is so important. Like, how much do we do to keep it sane? Isko sahi rakhna zaruri hai ki nahi hai aaj ke zehen mein, aaj ki duniya mein, aaj ke एटमोसफेयर में, एनवायरमेंटल कंडीशन में, क्योंकि भटकता रहता है, भटकता रहता है, इधर से उधर सोचता रहता, सोचता रहता है। तो उसको लेकर आओ, सेंटर करो, सारी एनर्जी को बैलेंस करो। कौन करेगा? आप ही करोगे, कोई और तो नहीं करेगा। आसमान से कुछ नहीं होगा, कोई ब्रह्मांड में से ब्रह्मदेव प्रकट नहीं होंगे और कहेंगे बेटा तथास्तु, सब चीजें ठीक हो जाएंगी, सब कुछ भी नहीं होगा। करना आपको ही पड़ेगा, क्षण बाय क्षण, लम्हे बाय लम्हे, मोमेंट बाय मोमेंट, एज यू कीप ट्रीटिंग योर लाइफ एग्जैक्टली द वे योर लाइफ विल टर्न आउट टू बी। सिंपल, जो आज करोगे, जो बीज बोओगे, धीरे 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 धीरे, क्योंकि फंडामेंटल्स जो है ना यूनिवर्स के बड़े क्लियर है, कॉज एंड इफेक्ट है। जो आप बोओगे वैसा ही आप पाओगे। हो सकता है थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, हो सकता है फॉर्म अलग हो जाएगी, हो सकता है दिखेगा बाद में, हो सकता है समझ भी बाद में आएगा, लेकिन होगा वही जो बीज बोओगे। अच्छाई और सच्चाई होगी तो अच्छाई और सच्चाई ही दिखेगी, वही मिलेगी, वही आसपास महसूस होगी। अगर दिमाग भटकता रहेगा, भटकता रहेगा, भटकता रहेगा, तो भटकन से ही सराउंडेड रहोगे हमेशा आसपास। खुद को सही करने की जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की है नहीं। खुद के लिए कदम उठाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आपकी ओवरथिंकिंग कहीं और से नहीं आई है, किसी और ने उठा के डाल नहीं देगी है, ये आपके अंदर से ही जर्मिनेट हुई है। तो आपके अंदर से जो चीज जर्मिनेट हुई है, आप ही उसको ड्रॉप करोगे और डिसॉल्व करोगे, कोई और नहीं कर सकता ना। मेरे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, मेरे अंदर जो ऐसे अंतर्द्वंद चलता है, मेरे अंदर जो परेशानियां हैं, मेरे अंदर जो दिक्कत है, वो मेरे अंदर की है ना। दूसरा आके उस अंतर्द्वंद के अंदर पानी नहीं डाल सकता, मुझे ही उसको डिसॉल्व करना है, अपनी ही चीजों को सुलझा के। फिर आप उसमें मौन व्रत रखो, साइलेंस फास्ट करो, आप राइटिंग करो, आप रीडिंग करो, कुछ नया सीखो, कुछ इवॉल्व करो, कुछ ग्रोथ करो, कुछ भी करो। दिस इज ऑल योर प्रेरोगेटिव, व्हाटएवर टूल यू वांट टू अप्लाई।
सामने कोई सिचुएशन आती है, आपकी इच्छा अनुसार एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। कहो कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार तो मुझे एक्सेप्ट करना है। हर बारे मैं इसको रेजिस्ट करता हूँ, इस बारे नहीं करेंगे, देखेंगे आगे कि आगे क्या होता। जज्बा तो आप ही को लाना पड़ेगा, मैं थोड़ा ना दूंगा। व्हाटएवर विल हैपन, गलत तो गलत, सही तो सही, कभी ना कभी तो खुद से हौसला जुटाना ही पड़ेगा। आज जुटा लो, 10 साल बाद जुटा लो, 20 साल बाद जुटा लो, डेथ बेड पे जुटा लो, हॉस्पिटल बेड पे जुटा लेना, कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस बचेगी नहीं यहाँ पर। बिकॉज यू वुड वॉन्ट टू लिबरेट योर सेल्फ। इस ओवर थिंकिंग से लिबरेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, फ्रीडम चाहिए कि नहीं चाहिए, या इसी के चक्रव्यूह में फंसते चले जाना है? चाहिए तभी तो यहाँ आए हो, नहीं चाहिए होती तो क्यों आते हैं? तो मतलब नियत तो अच्छी है, इंटेंट तो अच्छी है कि कोशिश तो करते हैं। अब आत्मसात करना भी जरूरी है। ओके, तो बस जुड़ जाओ कोशिश में आज से ही, कर लो एक्सेप्टेंस, देखो जरा क्या होता, करो तो सही। यस, किसी को कुछ पूछना है रिगार्डिंग द सेम, रिगार्डिंग ओवरथिंकिंग? If you have any difficulties in the concept or something, personal सवाल तो मैं नहीं लूंगा, there's no Q&A today. Q&A आप Saturday को आ सकते हैं, चाहे overthinking से related है, कोई भी सवाल आपको पूछना है, question and answer round है, आप आइए 12:30 PM to 1:30 PM. First को है ना, I think. नए साल में कुछ नए सवालों के जवाब ढूंढेंगे कुछ मिलके। क्यों रोडो जी, आप भी यहाँ पर हैं, so nice to see you. See you. Good to see you. You're back in Delhi? Yes, yes. Wonderful. ठंड के मजे हो रहे हैं अभी दिल्ली में। हाँ जी। अच्छी बात है, nice. हाँ जी, कोई सवाल है, कुछ पूछना है? हाँ जी, हाँ जी। I just wanted to. One second. हाथ खड़ा के मंजुला जी, आप बात करना चाह रही हैं, right? हाँ जी मंजुला जी, बोलिए। Hi sir, good evening. My name is Manjula. Actually, I wanted to share something, sir. Actually, I would like to say thank you very much to you. I inspired by your videos actually. Sir, I was broken last 3 years back, totally broken. Like मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो टाइम पे क्या करूँ क्या नहीं करूँ. मैंने एक आपका वीडियो देखा था, उसमें आपका डायलॉग था सर, आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू. जब जिंदगी ही नहीं रहेगी, इंसान का गलतियों को क्या करोगे सर? वो सेंटेंस मुझे टोटली मेरा माइंड चेंज हो गया एक्चुअली. सो वहीं से शुरू हुआ सर, आई जॉइन ब्रह्मा कुमारीज एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियोस. ऑफ कोर्स यू वाज बहुत मोटिवेट किया आपने आपको. अभी मुझे ऐसा लगता है कि 90% मैं बाहर आ चुकी हूँ, 10% कहीं ना कहीं कभी कभी when my hubby called me like for kid tip se baat karne ke liye, that time yaad aa hi jata hai. So that time mujhe thoda sa ye hota hai. That's okay. Thank you. Thank you Manjula ji. Thank you. But I wo lamhe mein wo jo line nikli ki jab insaan hi nahi rahega to uski galtiyon ka kya karenge, ye line thi na. Ab dekho क्या है यहाँ पर, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन मार्क लगाऊं या इसकी लेयर में जाऊं तो क्या है, जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या करेंगे? कहीं ना कहीं हम एक्सेप्टेंस की बात तो कर रहे हैं यहाँ पर, कि एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि गलती हो गई है किसी से, तो माफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं. ये बात की भी एक्सेप्टेंस हो जाती है कि मृत्यु भी आस पास हो सकती है किसी के साथ, या सेपरेशन भी कभी भी हो सकता है, राइट? जब हमने सेपरेशन को एक्सेप्ट कर लिया, किसी की मृत्यु को एक्सेप्ट कर लिया, तो बाकी सारी चीजों को छोड़ देते, वो अपने आप ही छूट जाती. जब मुझे पता है हाइपोथेटिकली जिस इंसान के साथ में, वन सेकेंड नीति नीतू, अगर मुझे पता लग जाता है इस बात की, चलो हाइपोथेसिस सिचुएशन में, कि ऐसा कभी हो गया कि जिसके साथ मैं हूँ, राइट, और मुझे ये पता लग जाए कि कल इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो क्या मैं छोटी छोटी बातों पर ध्यान दूंगा? क्या वो सारे झगड़े, वो सारे कॉन्फ्लिक्ट मेरे दिमाग में आएंगे? या मेरे दिमाग में ये होगा कि 24 घंटे हैं, किस तरह से इन खूबसूरत 24 घंटों को खूबसूरती से बिताया जाए, या कैसे उस सारे लम्हों को मैं सपेट लूं, फिर मैं एक एक लम्हा जीना शुरू कर देता हूं, क्योंकि अब मैं अवेयर हो गया हूं इस बात के लिए कि ये कभी भी कुछ भी हो सकता है. लेकिन जैसे ही ये अवेयरनेस छूट जाती है कि नहीं,
वैसे फिर हम पुरानी बातों में, उसने ये किया था 1965 में, आपने ये किया था 1947 के इस लम्हे में, आपने ये किया था, आपको पता नहीं आपने मेरे साथ क्या किया, मैंने आपके साथ क्या किया, सारी बातों के बवंडर लेके हम बैठ जाते हैं। और जब सामने इंसान उस क्षण में आता है तो वो जरा सा कहता है कि सॉरी दाल में आज नमक कम है, तो शुरू होगी 1965 1967 की सारी बातें, तुमने उस समय भी कहा था, कल भी ये कहा था, पहले भी तुम ये कहते, तुम इंसान ही घटी हो, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें वैल्यू नहीं है, तुम्हें ये नहीं है, तुम्हें वो नहीं है, हो गई सारा से आपका। हाँ जी, यही तो हो रहा है। हो क्यों रहा है? क्योंकि इस क्षण में, इस लम्हे में ना हम खुद की वैल्यू कर रहे हैं, ना उसकी वैल्यू कर रहे हैं, इस क्षण को जी भी तो नहीं रहे हैं। इस क्षण के अलावा कुछ नहीं है, इस लम्हे के अलावा कुछ नहीं है। दिस इज ऑल यू हैव, द प्रेजेंट मोमेंट। टुमारो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, नोबडी नोज। इफ यू स्टार्ट लिविंग लाइफ लाइक दिस, देयर विल नेवर बी ओवरथिंकिंग, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्या होगा यहाँ से जाने के बाद, रोड पे क्या होगा नहीं पता किसी को, मुझे भी नहीं पता। जिस गाड़ी में मैं जाता हूँ, उस गाड़ी में रात को वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा नहीं पता। क्या रोड पे एक्सीडेंट्स नहीं होते? क्या रोड रेज में बहुत सारे लोगों के इश्यूज नहीं हो जाते? बहुत कुछ होता है ना, कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी लम्हे पे हो सकता है। बस हमें हमेशा ये लगता है हमारे साथ नहीं होगा, दूसरे के साथ होता रहता है। जो अखबार में खबरें पढ़ते हैं, जो न्यूज देखते हैं कि फलाने फलानी जगह पे इतने लोगों की मृत्यु हो गई, करेक्ट, हमें लगता है वो किसी और दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, हमारे साथ थोड़ा ना होगा। और अचानक से हमारे घर के आसपास किसी के साथ हो जाता तो ऐसे एक सेकंड में चीजें खड़ी हो जाती हैं दिमाग के अंदर। That's very important, इस बात की अवेयरनेस रखना। ये बस इतनी छोटी सी अवेयरनेस भी रख लोगे तो भी जिंदगी में कहीं ना कहीं अपने आप ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस, ओवरथिंकिंग ड्रॉपिंग, कॉन्फ्लिक्ट खत्म, एक्सेप्टेंस डीपली आ जाती है। जस्ट टू हैव दिस अवेयरनेस दैट एनीथिंग कैन हैपन एनी मोमेंट टू एनीवन। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, कहीं ज्यादा आवाज आ रही है। वन सेकेंड। रेखा जी, थैंक यू। ओके, हां जी, अभी भी सवाल है? स्नेहल जी बोलिए, समय कम है, 5 मिनट है। हाय सर। हां जी बोलो। एक्चुअली मुझे ये कहना था कि जो अभी मंजुला मैम ने बोला था, एक्चुअली वही वीडियो था जो आपकी वाइफ है उनके साथ आपका कोई स्टेज था परफॉर्मेंस, तो तब बोला था दैट, तो तभी मैंने सुना था एंड उसी टाइम पे लगा कि शायद सच में कुछ गलतियां छोड़ देनी चाहिए एंड लाइफ में बहुत कुछ हो गया, बहुत ब्ला ब्ला ब्ला। एंड फिर उसके बाद जब भी अभी किसी को एक्सेप्ट करती हूँ ना, तो वही डायलॉग मुझे याद आ जाता है और लाइटली वो आपकी और आपकी वाइफ की जो भी फोटोज, इमेजिनेशन जो माइंड में छपा है वो याद ही आ जाता है। और बहुत टाइम से मैं ज्वाइन करना चाहती थी ये सेशंस, मॉर्निंग सेशंस तो मैंने ज्वाइन किए हैं बहुत बार, बट अब भी जो मैंने जस्ट आपको देखा लाइव, तो मेरा ऐसा हो गया कि सर नाइस टू सी यू, एंड बहुत सारा हैप्पीनेस मिलता है आपके जब भी आपको देखती हूँ। मॉर्निंग में डेली आपके वीडियो से स्टार्ट होता है मेरा डे, कोई भी आपके प्रोफाइल में जाती हूँ एक वीडियो तो देख के मेरा डे स्टार्ट होता है। तो जस्ट मुझे थैंक्स बोलना है कि ये जो लाइफ हो गई है मेरी 2 साल के बाद जो मैंने स्टार्ट किया है, उसमें आपका 80-90% आता है एंड रियली अप्रिशिएट। एंड ऐसे ही मतलब सब कुछ ठीक हो गया अभी, जो ओवर थिंकिंग मैं करती थी जो आप बता रहे हो वो मैंने बहुत टाइम आपके वीडियो में सुना है, तो वैसे वैसे मैं करती गई लाइफ में, तो अभी मौका मिला तो बस मुझे यही बोलना था कि थैंक यू। थैंक यू सो मच, दैट्स व्हाई काइंड ऑफ यू, थैंक यू। अच्छा, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है इसके अंदर, वो लाइन जो कही थी वो शायद दूसरे के नजरिए, मतलब दूसरे के नजरिए से मतलब शायद दूसरे के लिए थी कि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या करेंगे। मुझे लगता है ये खुद पे लागू करना बड़ी जरूरी है अपने लिए भी, कि हम अपनी गलतियों को पकड़ के क्यों बैठे कि जब हम ही नहीं रहेंगे तो हमारी गलतियों का क्या होगा। करेक्ट, जब ये बॉडी नहीं है तो हमें नहीं बचे तो कौन सी गलतियां कौन याद करेगा, किसी के पास टाइम ही नहीं याद करने का। सच में अभी ऐसे ही हो रहा है, आपके मृत्यु के बाद हमें लगता है कि हमें बहुत लोग याद करेंगे, किसी के पास समय नहीं है। एक दिन 24 घंटे 48 घंटे को याद करेगा, सब भूल भाल जाते हैं लोगों की अपनी जिंदगी में, इतनी परेशानियां बहुत ज्यादा है, तो अपनी गलतियों को भी छोड़ दो। Yes. अपनी गलतियों को भी नहीं पकड़ना। पास्ट की जब हम बात करें तो ये बात करते थे गलतियां ही तो वो शेम, रिग्रेट, गिल्ट, ह्यूमिलिएशन, मॉकिंग, ये वो, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, हमने क्या जवाब दिया, किसने क्या हर्ट किया, सब गलतियां हैं, छोड़ दो। जब हम ही नहीं रहेंगे तो गलतियों का क्या करेंगे, उसको भी ड्रॉप कर देते हैं।
सिंपल कर देते हैं चीजों को, ज्यादा क्या कॉम्प्लिकेट करेंगे, जिंदगी है पता नहीं कब खत्म हो जाएगी, किसी को पता नहीं है, ज्यादा उलझो मत। जितना मैंने समझा है आई थिंक जितना हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, मेरे सर ने, मेरे एक एक्टिंग टीचर, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा सर लाइफ इज अ ब्यूटीफुल गेम, गेम है, खेल है, खेल खेला है कभी किसी ने, खेल खेलते हो ना, स्पोर्ट्स खेलते हो कि कुछ भी, बस खेल में क्या होता है, जब हम खेल रहे होते हैं ना तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, जीतना है जीतना है जीतना है जीतना है जीतना है जीतना है, जी हार भी जाते हैं, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब खेल से बाहर आते हो, उस बैडमिंटन कोर्ट से बाहर आ जाते हो, तो कैसे एक सेकंड में बैडमिंटन कोर्ट ड्रॉप हो जाता है, फिर दूसरी जगह पर ध्यान आ जाता है। लेकिन जब तक उसके अंदर इन्वॉल्व रहते हो तो ऐसा लगता है इससे बड़ा कुछ है ही नहीं, आज जीत जाऊंगा तो पता नहीं कौन से दुनिया के सारी ट्रॉफीज मुझे मिल जाएंगी, मिल भी जाएंगी तो भी क्या हो जाता है, कुछ समय के लिए साथ रहते हैं, उसके बाद वो भी छूट जाती है। Exactly the way life is. It's a game. Just keep playing, keep enjoying, keep learning the lessons. अपना कर्म करते चले जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। जैसे गेम क्यों खेलते हैं हम, खेल क्यों खेलते हैं, क्योंकि खेल खेलने में मजा आता है। मैं क्रिकेट खेलता था क्योंकि क्रिकेट खेलने में मजा आता था मुझे, करेक्ट। बाद में जब बहुत अच्छा खेलना शुरू कर देते तो आपको लगता है यार इससे पैसे भी कमा लेंगे, इसको प्रोफेशन में बना लेंगे, इसके लिए देश के लिए भी कुछ कर लेंगे, फिर वहां से मैं इंटरनेशनल ट्रिप्स भी करूंगा, फिर मैं यहाँ भी घूमूंगा, मैं वहां भी घूमूंगा, पर्सनल डिजायर्स आ जाती हैं, करेक्ट। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्योंकि क्रिकेट खेलने में एंजॉयमेंट होती थी, बड़ा मजा आता था, करेक्ट। तो बस ऐसी लाइफ को खेलने में मजा आना चाहिए, लाइफ के गेम को एंजॉय करने में मजा आना चाहिए। हाँ जी नीतू जी, सॉरी आप कुछ कहना चाहती हैं काफी समय से, क्विकली आई हैव 1-2 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। सर मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि आप जो क्वेश्चन आंसर्स का सेशन सैटरडे को रखते हैं, एक बार या कभी भी आप संडे को रख सकते हैं, मुझे बहुत अटेंड करना होता है। जरूर जरूर संडे को रख सकते हैं, एक्चुअली मैं डेंटिस्ट हूँ तो वो टाइम पे अपॉइंटमेंट्स होती है और वहां पर क्लिनिक में काम करना होता है। आई अंडरस्टैंड, सो ठीक है, हम आई थिंक इस हफ्ते तो अभी सैटरडे को देख लेते हैं, नहीं तो फिर संडे को रख लेंगे, डोंट वरी, इट्स सैटरडे संडे में फ्लेक्सिबल है क्योंकि दैट इज द टाइम व्हेन आई थिंक एवरीवन इज फ्री एज वेल। और ये सेशन भी हमने यूजुअली जो नए सेशन सिंगल सेशंस वी आर स्टार्टिंग, जैसे आज ओवरथिंकिंग रखा, वी विल आल्सो ट्राई अनदर, तो वो हम इवनिंग्स में रखेंगे 7:30 के आसपास व्हेन बैक फ्रॉम द सेट। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Okay everyone, take care. Yes, yes. हाँ जी, संडे की आ गई है, बहुत सारी फरमाइश है कि संडे को रख लीजिए, तो we'll keep Q&A session on Sunday. Okay? I will try if I can push this session from Saturday to Sunday, 12:30 p.m. to 1:30 p.m. Okay, चलेगा? Yes, sir. चलो ठीक है, ऐसा भी कर लेंगे, done. Thank you so much. Take care of yourself. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. Good night. Have a thank you. Very, very good night. Take care of yourself. God bless you. And enjoy. Enjoy. Thank you. Bye bye. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Bye. Bye bye.